brought to you by YourQuote, an app that makes you write and perform. तो जतिन, जतिन आज अपनी छत की दीवार से सटकर खुले आसमान में उड़ती पतंगों को निहारता सा दिख रहा था। अपने चेहरे की गुमसुम मुस्कान लिए मासूम सा बस उड़ती पतंगों को निहारता सा ही दिख रहा था। पास वाली छत पर उसके दोस्तों की पेशकशी कुछ उसे खास रास नहीं आ रही थी। पास वाली छत पर उसके दोस्तों की पेशकशी उसे कुछ खास रास नहीं आ रही थी। दो छत छोड़कर रहने वाले शामक भैया उसकी गुमसुम मुस्कान में छिपी उड़ते मन को पहचान गए थे। और उनका कहना हुआ, अरे भाई जतिन आज पतंग क्यों नहीं उड़ा रहे? आज अपनी पतंग कहाँ है? उसकी बेमन निकाहें जैसे कहीं ठहर सी गई हो। कहीं इशारे से जवाब आया, नहीं। श्यामक भैया ने उसका मनोबल बढ़ाने के उद्देश्य से अपने हाथ के इशारे से पूछा, कितने की आती है पतंग? 5 रुपए। इस बार जतिन की आंखों में मुस्कान कुछ खिली सी नजर आई। उसका जवाब आया, नहीं, सिर्फ 2 रुपए। यही इस कहानी का शीर्षक है, 2 रुपए। उसका जवाब आया, नहीं, सिर्फ 2 रुपए। श्यामक भैया ने अपनी जेब से एक 5 का सिक्का निकाला और दिखाते हुए कहा, एक पतंग मेरे लिए भी। मन रखने के उद्देश्य से कही गई इस बात को शायद वह बच्चा भाप गया था, इसलिए उनकी बात को अनसुना कर फिर आसमान में उड़ती पतंगों को निहारता रहा। हाँ शायद पापा के वो 2 रुपए न देने की बात और हर रोज पतंग उड़ाने की डांट उसे याद आ गई हो। कहीं पापा के 2 रुपए न देने की बात और वो पतंग उड़ाने की हर रोज पतंग उड़ाने की डांट याद आ गई हो उसे। अब भी उसकी निगाहें चौकस लिए आसमान पर ही जमी थी कि इस आशा में कि कहीं कोई पतंग उसकी छत पर कटकर आ जाए। मगर मानो आज पतंग भी खेल खेल रही थी, कभी बाजू से निकलती, कभी कुछ दूरी से, मगर हाथ ना आती। शाम अब ढलने लगी थी, पतंगे आसमान का घर छोड़कर नीचे उतरने लगी थी। जतिन भी अब कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। और अगली शाम मुस्कुराता हुआ जतिन अपनी पतंग के साथ फिर आसमान में पतंग उड़ाने को तैयार था और पतंग उड़ाते हुए खुश दिख रहा था। पर उस पिछली शाम का क्या? शायद बीती शाम आसमान में जतिन की पतंग ही नहीं उड़ी थी पर लगा जैसे जतिन ही नहीं उड़ पाया हो। वो दो रुपए का मूल्य उसकी उस बीती खाली गई शाम का मूल्य बन गया हो जैसे। वो 2 रुपए का मूल्य उसकी बीती शाम की खुशी का मूल्य बन गया हो जैसे। 2 रुपए, सिर्फ 2 रुपए।